एक 80 साल का 70 साल का व्यक्ति कथा सुन रहा है, क्या लाभ होगा उसको? पुण्य होगा, लाभ कुछ नहीं होने वाला। कथा से भगवत प्राप्ति पुण्य, पर जो कर्म उसको इस संसार में करने थे अच्छे बुरे, जिन कर्मों के आधार पर भगवान फल देते हैं, वो तो इन 90 साल में, 80 साल में, 70 साल में हम कर चुके हैं। जीवन में अच्छा कर सके ये आवश्यकता युवाओं के लिए, उनके पास में समय है करने को। गीता, घर में कोई मर रहा है ना तो बोले उसको गीता सुनाओ, अरे ये मर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहां गीता सुनेगा बेचारा, उसको सांस नहीं आ रहा, तुम गीता की पढ़ी है तुम्हें? वो रिटायर हो गया, बोले अब इसको गीता दे दो। अरे रिटायर हो गया, अब गीता का क्या करेगा? इसको जो नौकरी काल में जो बुरा भला करना था वो कर लिया, अब गीता पढ़ करके क्या करेगा? काश वही गीता की किताब उसको जवानी में किसी ने हाथ में दे दी होती। मरने के बाद में लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, मरने के बाद क्यों कह रहे हो? वही चार आदमी जब उसको जिंदा था तब बैठ के समझा देते ना कि राम का नाम सत्य है, तो शायद उसका जीवन कुछ और होता। जब तक जिंदा रहे संसार की व्यर्थ बातें करते रहे, और मरने के बाद राम नाम सत्य है, तब क्या सत्य है? वो चला जाए।